आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि डायमैग्नेटिज्म इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो ये करेक्ट है, हालांकि थोड़ा सुनने में अजीब लगता है क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म टेम्परेचर कम करने से बढ़ता है, तो डायमैग्नेटिज्म के साथ कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। उसका सिंपल से रीजन ये होता है कि पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो भी आपके डाइपोल्स होते हैं वो सब अलाइन, सबको अलाइन करना होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंट्रोड्यूस होने की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो थर्मल मोशन कम हो जाएगा, तो अलाइनमेंट ईजी हो जाएगा। बट डायमैग्नेटिज्म के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैग्नेटिक नहीं होते हैं, ठीक है। मीन्स ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट मैग्नेटिक डाइपोल इन इटसेल्फ। तो उसमें जो केस था कि सारे मॉलिक्यूल एक मैग्नेटिक डाइपोल थे, यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, दे आर नॉट मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर वो खुद में मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है तो होगा क्या कि जो रैंडम थर्मल मोशन की वजह से जो अलाइनमेंट अफेक्ट हो रहा था उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, यानी कि रैंडम थर्मल मोशन का इफेक्ट खत्म ही हो गया, क्योंकि वो मॉलिक्यूल में अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ही नहीं। तो जब मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है तो रैंडम थर्मल मोशन का इफेक्ट खत्म हो गया, तो यानी कि इफेक्ट ऑफ रैंडम थर्मल मोशन इज एंडेड, रैंडम थर्मल मोशन इज एंडेड। जब उसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहा तो आप टेम्परेचर चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ नॉर्मली कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब रीजन क्या दिया है कि द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सही बात है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द इंटरनल मोशन ऑफ द एटम इज। तो वही बात हम यहाँ बता रहे हैं कि उसका जो इंटरनल मोशन होता है एटम का, जिसको आप रैंडम थर्मल मोशन बोलते हो, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी उसका डायमैग्नेटिक सैंपल का जो भी डाइपोल मोमेंट होगा वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट होगा। सीन इतना है कि क्योंकि उसके इंटरनल, भाई टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा कि इंटरनल मोशन अफेक्ट होगी, बट इंटरनल मोशन के अफेक्ट होने से डाइपोल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, वो हमने यहाँ देख लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका असर्शन भी करेक्ट हो गया, रीजन भी करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन, क्योंकि करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि भाई इंटरनल मोशन जब अफेक्ट नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर को चेंज करने से डायमैग्नेटिज्म अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।